जनपद फिरोजाबाद में एसएसपी ने महाशिवरात्रि पर्व को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। जनपद फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार तिवारी की उपस्थिति में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों संग एक गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान महोदय द्वारा दिनांक 18 तो 2023 को हिंदू समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए। जनपद फिरोजाबाद के एसएसपी आशीष कुमार तिवारी ने आने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है और साथ में सभी को निर्देशित किया है। कांवड़ियों के आने जाने वाले मार्ग पर पुलिस बल की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहे, कांवड़ियों के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके। साथ ही यूपी 112 पुलिस बल, फायर सर्विस एवं यातायात पुलिस की आवश्यकता अनुसार जगह जगह ड्यूटी लगाई जाए, स्टैटिक बैरियर की व्यवस्था हो। तत्पश्चात महोदय द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में नकल विहीन परीक्षाएं कराए जाने हेतु पुलिस बल की क्यूआरटी टीमों, एंटी रोमियो पुलिस स्क्वाड एवं स्टेटिक पुलिस टीमों को विशेष सतर्कता बरतने हेतु निर्देशित किया गया। देखिए, आज ये जो महाशिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में जो ड्यूटी लगी थी और जो कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है उसमें जो भी हमारा सावन में जिस तरह से ड्यूटी लगी थी उस तरीके से जो कांवड़ रूट पे ड्यूटी, उसके अलावा मेलों में ड्यूटी और मंदिरों में ड्यूटी, तो इस तरीके से पूरी ड्यूटी वगैरह जो है वो लगाई गई है। इसमें लगभग 450 पुलिसकर्मी जो हैं उनकी ड्यूटी लगी है और मंदिरों पर विशेष रूप से जो चेन स्नैचिंग की या जो अन्य वारदातें ना हो पाए उसके लिए भी जो ड्यूटी है उनको लगाया गया है। सीसीटीवी, यूपी 112, फायर, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ों की ड्यूटियों के बारे में डिस्कस किया गया और उसी को लगाने की तैयारी की। सर, परीक्षा के दृष्टिगत अति संवेदनशील जो केंद्र बनाए गए हैं उसमें सर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, 5 अति संवेदनशील हमारे यहाँ जनपद में है, उसमें जो मानक डिसाइड किया है उस मानक के अनुसार फोर्स लगाई गई है और फोर्स डिप्लॉय भी हो गई है। अभी एक पाली का हो गया, दूसरी पाली 2 बजे से चालू है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं और उसको सक्सेसफुल संपन्न कराएंगे। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।